रेड वेट हो गया आप सबका। यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे ले लीजिए, प्रतिभा जी के गुड़िया के ले लीजिए, ये आज के स्टार ये हैं, इनके वजह से ये गाना है। अरे ऐसा ऑफ कोर्स एक और स्टार आ गए। हेलो जी, हेलो जी, मुबारक हो, मुबारक हो, थैंक यू कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। Many more to come and I'm sure the soulful music and bhai maro brother aa gaye bhai maro brother dono bhaiyo ka itna maza aaya mujhe sun ke roo ko maza aaya bas mujhe blessed abhi thakur ban ke kyu aaye sandeep ji aaiye aaiye aapki thank you aaiye aaiye aapki mam ka solo kar rahe the ha ha bhai kisi ko saath mein le lo bhai ye mere pehle solo ho raha tha aur भी ले लो आधे क्यों आए पूरे हो जाएंगे हो गया ग्रुप करते थे। आइए आइए सर आइए। हेलो 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 सर थैंक यू बहुत जरूरी मैम। हेलो हेलो लगा लें मैं तुझे दो मिनट में कॉल करता हूँ। ठीक है मैं करता हूँ आपको कॉल। Let me introduce you to Haseen Mastan, the one name Haseen Mirza Mastan. One and only, and I'm very happy to have her here today for this launch that is happening towards my father. But also want to say that we are coming up with a lot of great projects, and you will see her on a big screen. बहुत खूब काम होने वाला है और बहुत सारे सरप्राइजेज मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए है। तो आप लोग इनके चेहरे को ज़रा कैद अच्छे से करिए, क्योंकि ये बहुत चेहरा जो है रॉक करने वाला है। एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी कि हम साथ काम कर रहे हैं। सोलो ले लेते हैं जी जरूर। मैं जब उन्होंने मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताया तो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जिस परिवार से ये ताल्लुक रखते हैं, पूरा संगीत डांस पूरा आर्ट है इस इंडस्ट्री के, म्यूज़िक का पूरा आर्ट अगर आपको कहीं कनेक्ट करना है, डांस करना, ये ऐसी चीज़ें हैं कि यू नो आप बहुत एक्साइटेड होके रुकते हो कि भाई अब नेक्स्ट क्या है। कथक तो हमारे हिंदुस्तान का इंडियन डांस का कल्चर है, तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम। एक्चुअली ये मुझे कहते हैं जब मुझे एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम। नहीं नहीं बस दुआएं करें एंड वी विल मीट एंड कैच अप विद लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड सच अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन टुवर्ड्स हर। जल्द मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू। आप सोलो ले लीजिए। सोलो एक ये लुक है मैम, ये लुक है, लुक है, लुक है। ये तरह का विजुअल मार लेते हैं। ये मेरी बुआ का बेटा है। अच्छा जी, अच्छा फोटो ले लो, फिर हम लोग वीडियो करते हैं। फोटो ले लो, इधर देखिए, संदीप जी के सर वीडियो वीडियो सर सीधा देखो। दीपक ठाकुर आदिल वीडियो करने हैं।
देख लिया, हो गया, वीडियो हो गया, चलो अभी आप लोग वीडियो कर सकते हैं, बात में कुछ नहीं। ये लो इससे लो बेटा, आप ये सब लोग कहाँ हैं? सब अंदर है। क्या कर रहे हैं अंदर? आप इंतजार दो चार दिन शुरू। मैं पहला बार नहीं 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 कहाँ गया? चंदन दास जी आ गए, श्यामी दीदी आ गई, प्रतिभा तो है ही। We're just waiting for two people and we'll do the launch. We won't make much. Thank you. Thank you. बुलाइए सब के लिए। यहाँ है फोटोग्राफ जी से बुलाइए। अरे बुलाइए प्रतिभा आ गई यार। आइए मोहतरमा, आइए, आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपके लिए आया हूँ। अब तो माशाल्लाह मतलब तो हिंदूर जीती रहिए जी। जहाँ देखिए आप ही आप हैं। राजीव आ जाओ। आपके भाई ने ऐसे मुझे इमोशनली किया कि मैं सब चीज़ छोड़ रहा हूँ। आर्टिस्ट है ना तो इमोशनली ब्लैकमेल हो सकता है वो। मेरा तो हो गया भाई, अब इनका लीजिए। ये लुके लुके प्लीज सर, लुके वन मोर टाइम सर प्लीज लुके। ये कौन है? ये हमारी स्टार है। क्या नाम है आपका? वाइट का करो ना, वाइट कलर करो करो कुछ। आप लेते जाओ क्योंकि हमारे साथ आपने क्या किया? एक काम करें ना, बच्ची करूँ सर, लेकिन आप बच्ची तो है ना? कैसे लगा क्या? और ऊपर ले बहुत अच्छा गाती है, इनको मैं काफी अरसे से सुन रहा हूँ और इनकी तरक्की देख रहा हूँ आजकल। ये माशाल्लाह बहुत सुर में, बहुत सुरीली है और गला भी सुर में है, वो खुद सुर में है माशाल्लाह। और भाई इन दोनों के बारे में क्या बताऊँ, इनके पिताजी के बारे में क्या बताऊँ, सारी दुनिया जानती है, हम तो बहुत छोटे हैं। तो मुझे यकीन है कि ये जो भी ये सिंगल, ये जो सिंगल इन्होंने रिलीज किया है कर रहे हैं पूछो, और ये छोटी बिटिया के साथ बेटा इसके चेहरा दिखना चाहिए तो बहुत ही उम्दा होगा। संदीप बरसात खुद एक बहुत अच्छे फनकार हैं, ऐसा मतलब ये नृत्य में मतलब जैसे हम लोग गले से छलांग लगाते हैं या काम करते हैं, ये वैसे ही कमाल है। और राजीव इनका भाई, ये तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, ये माशाल्लाह तबला और हर एतबार से पूरा खानदानी ऐसा है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और हक जहाँ होता है वहीं, मतलब रिश्ता जहाँ होता है वहीं पे आदमी हिम्मत कर सकता है। और मैंने तलत भाई को इनका बहुत बहुत मेजर काम
बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग को छुड़वा कर इनको कहा तलत भाई, मैंने कहा ही नहीं, मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया कि आपको आना है पापा के लिए है क्या ये सब बातें, कोई आप लोग ये सब लेंगे लेकिन ये सब आएंगे नहीं, एडिट हो जाएंगे मुझे पता है। मैं बहुत छोटा हूँ मेरे पिताजी के बारे में बात करने के, लेकिन हाँ वो उन्होंने जो काम किया सारा खुशी हमें उनकी औलाद होने से इसलिए अच्छी लगती है कि वो आज भी अपने काम से जिंदा है। आज भी चार पीढ़ियाँ प्रतिभा चौथी पीढ़ी होगी उनकी जनरेशन की, जो आज भी उनकी कंपोज की हुई गजल 50 साल हो गए उनके कंपोजर जी आज रिलीज हो रहा है जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, मैंने जब इसे डिज़ाइन किया सोचा कि इसे करना है तो पहला नाम आया कि मैं प्रतिभा से बात करूँगा। प्रतिभा इज़ बीन वेरी काइंड टू कम फॉरवर्ड, ऐसे लगा कि परिवार का एक और शख्स जुड़ गया और उसने इसी तरीके से इस गाने का मोमेंट किया और बहुत खूबसूरती से गाया। आप सब लोग सुनेंगे तलत भाई, हम लोगों को प्रतिभा को आशीर्वाद देंगे कि हमने जो कदम उठाया, क्योंकि सही गलत कहने वाले जो हमारे साथ खड़े हैं जो इस चीज़ नहीं, नहीं कोई सही गलत की बात नहीं, सही होगा यकीनन, क्योंकि आप इतने अच्छे बड़े फनकार कॉम्पोजिशन यकीन है बहुत ही अच्छा उसको, और फिर ये सुर में गाती है माशाल्लाह बहुत। देखिए क्या है, सुर इतनी पाक चीज़ है, आप लोग जानते नहीं है लेकिन जानते भी हैं। आजकल के दौर में वैसे भी बहुत कम लोग जानते हैं सुर क्या चीज़ है, लेकिन सुर जो है ना इतना पाक है, अगर सच्चा सुर लग जाए, हमारे उस्ताद कहते थे कि सुर को देखा करो, तो हमें समझ में नहीं आता था कि कैसे देखते हैं, आज समझ में आ रहा है कि क्या देखते हैं। महावीर जी का हमेशा से लता जी के साथ अच्छा संबंध है, हमेशा से लता जी गाना गाया करती थी महावीर जी का, तो आपका क्या कहना है? नहीं वो कॉम्बिनेशन तो वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन, मुझे खत्म तो करने देना बेटा, उसके बाद सवाल पूछ लो, मैं कहीं कुछ कह रहा हूँ और आप बीच में सवाल कर दिया। तलत भाई की बात पूरी होने की नहीं, अभी हो गई, सुर को समझ लो, प्रतिभा ज्यादा अच्छा बेहतर कह पाएगी। प्रतिभा आप नहीं, बेचारे को क्या टाइम नहीं है ना, उसको जल्दी और भी जाना है ना, नहीं नहीं टाइम है, टाइम है, रखो तो सुर का मजा लो, अभी तो आलाप प्रतिभा से पूछा जाए। प्रतिभा आप बताइए, सबसे पहले तो हम ये जो श्री के महावीर जी की कॉम्पोजिशंस सुन सुन के, लता जी की गाई हुई कॉम्पोजिशन सुन सुन कर बड़े हुए हैं, एंड दीज कॉम्पोजिशंस आर लाइक रियाज फॉर अस, उनको एक कॉम्पोजिशन को अगर प्रॉपरली गा लिया तो इट फील्स लाइक यू आर यू डन योर रियाज। तो इस तरह से बस कोशिश की है, अच्छा बुरा क्या ही कह सकते हैं, लेकिन ये तो सबके ऊपर है, उनको अच्छा लगना चाहिए, बस ये कोशिश रही है कि अच्छा उनकी कंपोजिशन को एज इट इज़ उतारा जाए, और कोशिश है, देखिए सब सबके सामने आज आ जाएगी और उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छी लगे। आपके जमाने में गजल बहुत ही कम आ रहे हैं, बहुत ही कम, 5 मिनट वेटिंग फॉर यू, आ रहे हैं प्लीज़, बहुत आ रहे हैं एक्चुअली, आप एक्चुअली इसलिए सवाल का मैं जवाब देना ज़रूरी मान रही हूँ इस वक्त कि बहुत सारी गज़लें आ रही हैं और बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं इस गज़ल गायकों से आजकल भी। पहले के ज़माने में बहुत इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जब आता था तो लोगों को पता चलता था, क्योंकि आप जैसे लोग उसको पहुँचाते थे आगे, आज भी ज़रूरत है आप सबको इस चीज़ को और आगे पहुँचाने की। जी जी सुनो तुम पहले, गज़ल है क्या चीज़, गज़ल है क्या मुझे बताइए, आप कोई जानता है गज़ल क्या है? नहीं आप ही जानते। गज़ल दो बहुत ही खूबसूरत फाइन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है, क्या गज़ल शायरी और साथ में संगीत, मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा कोई क्षेत्र है जो ऐसे दो चीज़ों को कंबाइन करता है। गज़ल लिखी जब जाती है, गज़ल के बारे में आपको और चीज़ बताता हूँ, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि दो मिसरे का एक शेर होता है, मिसरा मतलब लाइन, मिसरा ये लफ्ज़ आया अरबी से, दो पट के दरवाजे होते थे उसको मिसरा कहते हैं, शेर लफ्ज़ आया है शार से, बाल, एज फाइन एज हेयर एंड एज स्ट्रॉन्ग, तो ये जो है गज़ल एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। गज़ल गायकी की बात, गज़ल लिखने वाले तो बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, गज़ल का एक सफर बहुत तवील है, लेकिन उसको जब
गजल को सुरों में डाला जाता है तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये नहीं कि शायर की खूबसूरती या जो उसने उसका तखय्युल कुछ कम है, लेकिन जब खूबसूरत आवाज़ जब लगाई जाती है अशआर पर और उसमें खुद एक लहर होती है तो एक बहुत ही खूबसूरत खाका है, एक बहुत ही खूबसूरत माहौल उसको गजल कहते हैं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा बेटा, जब तक आपके दिल में इश्क होगा। अगर आप इश्क करते हो नहीं करते हो तो इबादत तो करते ही हो। सर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं माफी चाहता हूँ, ज्यादा बोल दिया तो, लेकिन मेरा हाथ बनता है 42 साल हो गया, 42 साल से कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं प्रतिभा जी को, संदीप जी को, और इस कोर को ऑफकोर्स कि ये वो ला रहे हैं जिसकी जनरेशन को ले, क्योंकि म्यूजिक यही है जो 50 साल बाद भी नया है, वो पुराना नहीं होता। और ये जितना इस जनरेशन के बाद वाली जनरेशन का अगर आप ये नहीं बताएंगे कि गज़ल कैसे, जैसे आपने पूछ लिया तो इन्होंने कहा कि ये किया है कि ये गज़ल होती है थे, बच्चे थे, सुनते सुनते बड़ों को, अब हम सीनियर हो गए, अब ये आगे ले जा रही है। और ऐसे ही आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये आपको भी पता है कि मैं आजकल मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ आ गया क्लास की, तो एक 11 साल का बच्चा है शिकागो में, वो सीख रहा है सुर में है। और एक 19 साल की बच्ची है जो टोरंटो में, उसके नाम है रू, और उसकी क्या फरमाइश थी पता है आपको? कल कहती सर मुझे आप बात करनी सिखाए, मैंने कहा कमाल करती है तो, और गा रही थी। वो ऐसी कॉम्पिटिशन है जो तुम मकसद के अंदर तुम वहाँ पर जाओगी कैसे करने सकते। तो ये चलिए मेरा ख्याल लोग आ रहे हैं, आप बेटा बुरा मत मानो, तुम्हें बता रहा था कुछ विजुअल कर लेगी, पहले बाइट कर रहे हैं, पहले विजुअल्स कर लो, पहले विजुअल कर लो। ओके मार देता हूं, एक मिनट सर, लुक ये आई नो व्हाट यू जस्ट एंड आई नो हाउ यू प्लान इट बट सर मेड माय डे। हां सर देखिए यश अंदर देखिए आप। हाँ सो वी कैन वॉच द इन टेन मूवी, वी हैव नॉट लॉन्च्ड इट यट, वी आर वेटिंग फॉर यू नो, वी आर वेटिंग फॉर टू मोर पीपल टू कम एंड लॉन्च इट। आई अंडरस्टैंड यू, डू यू वांट टू टेक द बाइट? या या डू इट प्लीज। और इसको चलो ऋतु आप बैठ जाओ, आप थक जाओ, तुमको बोल दूंगा ना तुम बैठ। हेलो क्लोज सिंगल कर रहे हैं जी, बाइट हो रहा है, मजाक कर रहे हैं। रोल फिर भाई, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम संदीप जी अबाउट यू, हाउ इट सेंटर इम ऑन बोर्ड, टेल अस समथिंग फ्रॉम योर एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल माय पीपल एंड द कंपोजर सेंटर लुक इट ऑन एवरीथिंग, सो वी हैव जस्ट डन द फ्रैगमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द सॉन्ग इज एक्चुअली आई हैव टू सिंसियरली थैंक्स संदीप जी फॉर द फर्स्ट कॉल दैट ही गिव, and I'm a big fan of him and we have performed a lot yes. for used to work with Rajiv ji also, and as a producer it's my luck that I've got this song to do, and thanks for the supporters who have so far has done this. And the day one he called and said to arrange the song, and I have no idea what is going to happen, but just because of the love I said I will do it absolutely. And he sent me the tune
which you have sung, and I figured out, okay, this I have to do it. And only what I have done is I've done justice to the song. No magic on it, it's just a I want to say one thing, that this man is India's I'm saying it loud, that it is India's pride that this song has been done by this legend. There's no match of Stephen Devasi in this industry, because what he thinks and what he executes, and above everything, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से मुझे एक बार भी ना नहीं कहा, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि अरे सर ये वो. ही मेड श्योर वेदर ही वॉज इन सिंगापुर मलेशिया, बट ही डिड द ट्रैक, एंड द वे ही इज डन द ट्रैक यू विल लिसन, एंड आई एम श्योर प्रतिभा विल एड ऑन टू दिस 100%. I think it was just Tankura and a click. Absolutely. But when I heard the track later on, I was like, it is only possible if he is done. But so happy. You have done a great part of the song, and maybe you are the face of the song, so I'm so happy. Thank you. So, let's watch the song. Let's, if you don't want to speak so much. Bas, aayi, aapki media wait kar rahi hai aapka, aur phir launch karenge. ये किस चीज़ का भाई? That's my son, that's my wife. हाँ, कल्याण सुंदर के ऊपर. Just the. जी जी, third floor. P series वाली गली जो है ना, वही. जी. I'm so happy that you bought this. अच्छा ठीक है, सोलो करते हैं. एक मिनट, रुक जाओ, ये अच्छा नहीं लगेगा. हाँ, अभी सही है. ठीक है, ठीक है बेटा, इधर देखना अभी. हाँ, ओके, अभी रोल करो. अरे वो सिंगल अच्छा लगेगा भाई, ये ठीक है. आप यहाँ पे देखिए. अरे भाइयो, ये सर देखिए, चलो चलो लाइट. हम लोग कहते थे कि पुराना गाना है, 50 साल पहले होता था और अब रिकॉर्ड होता है. आज की डेट में रिकॉर्ड हो रहा है और रिलीज हो रहा है, तो उसका गॉडफादर कौन है? उसका गॉडफादर है सूफी स्कोर. और मैं तहे दिल से सूफी स्कोर को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस जॉनर के संगीत के लिए एक मसीहा बन के कंपनी पैदा हुई है. और आपको 1000 साल की उम्र हो, आपकी कंपनी दुनिया के हर कोने में हो, और आपने फिर से उन सिंगरों की वो इच्छा जागृत कर दी कि हम फिर से गजल गाने की हिम्मत कर सकते हैं, हम गीत गाने की हिम्मत कर सकते हैं. और मुझे मना किया गया है नाम लेने के लिए, क्योंकि कुछ लोग देखिए कहते हैं ना कि दान करें जब तो आपके दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए. तो ये दान वैसा हो रहा है कि वो ये चाहते ही नहीं कि उनका जिक्र हो, लेकिन उनका जिक्र वो कर रहा है. तो जब वो जिक्र करता है तो पूरे विश्व में उसका चर्चा, उसकी बातचीत चलती रहेगी. हम सारे कलाकारों की तरफ से जितने भी आए हैं, जो कुछ भी हो रहा है, सूफी स्कोर आप जिंदाबाद हैं और आप आबाद रहेंगे. हाँ, और एक कमाल देखिए इनका, कि आजकल हम किसी कंपनी को गाना देते हैं तो कहते हैं 3 मिनट लाइए, 4 मिनट लाइए, यहाँ काट दीजिए, वहाँ काट दीजिए, तो पहले रूह ख़त्म हो जाती है उसकी. यहाँ पर हमें वो लिबर्टी भी है कि आपका 6 मिनट का गाना है या 5 मिनट का.
का है या 7 मिनट का है, वो दिल से उसे पेश कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच हम सब की तरफ से सूफी स्कोर, एंड वी कीप ट्राइंग एंड डूइंग गुड वर्क। ऐसे सिंगर्स ये नए जनरेशन के रॉक स्टार्स हैं, पर ये जॉनर भी गा रहे हैं। मोइन भाई आप कहीं जा तो नहीं रहे ना, बस पक्का ना? ठीक है, 5 मिनट में भी अडवी द लॉन्च। हाँ, तो थैंक यू सूफी स्कोर एंड वील बी लॉन्चिंग दिस आपके प्लेटफॉर्म से। हमारे पिताजी को ट्रिब्यूट हो रही है उसके लिए वापस, हम सब परिवार एक ही है तो हमारे एक म्यूजिकल परिवार। एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच थैंक यू म्यूजिकल लाइफ।